नमस्कार भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश के किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो उनकी इस हालत को सुधारने के लिए हमारे देश के नौजवान आगे आएंगे और उनके लिए कुछ करेंगे जिनके उनकी हालत सुधर जाएगी। तो हमारे देश के किसान किसान भाई आगे आइए प्लीज। किसान की पत्नी, हे भगवान, पिछले 2 सालों से अच्छी बारिश नहीं, गांव में सूखा पड़ा है, ऊपर से खेत का कर्ज दिनों और दिन बढ़ते जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, ये सारे सवाल, ये सारे परेशानियां मुझे दिनों दिन तंग किए जा रहे, खत्म हो रहा है, घर का सारा अनाज भी खत्म हो रहा है, अब हम जी तो कैसे जी? दूसरा जो सरकार हमारी मदद करती है वो भी सही मदद नहीं करती, आप ही बताइए हम जी तो कैसे जी? अब तो ये सरकार भी हमारी कोई सहायता नहीं करती। अजी नाना, ऐसा मत सोचो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। जी तो कहता अपना आत्मा का कल, ऐसा मत सोचो, हमारी सरकार भी कुछ ना कुछ उपाय बताएगी। अगले साल हमारे इन्होंने खेत कर्ज लिया था, वो तो चुका नहीं पाए, ऊपर से ये सूखा, कर्जदारों ने हमारे पीछे कर्ज का तगादा लगा दिया था, हालात से तंग आकर हमारे इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमारी सरकार भी तो चुप नहीं बैठी है, कुछ ना कुछ, लेकिन हमारे भी फर्ज बनते हैं, कुछ करें। हमें विश्वास है कि हमारे देश के नौजवान आगे आकर हमारी सहायता करेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ धरे क्या होगा, हमारे पास भी तो आगे आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, घर सारे काम पर। अरे ये क्या, हमें जिंदा रखने वाला किसान की ये हालत नहीं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये गांव में सूखा पीड़ित होने के कारण किसान आत्महत्या करने तक का सोच रहा है, नहीं हम इनके लिए कुछ करेंगे। चलो हम सब मिलकर इनके लिए कुछ उपाय सोचते, चलो भाइयों आप आइए, अरे आप भी आइए, अरे आप सब क्यों खड़े हो, आप लोग भी आ जाइए। हम सब मिलकर कुछ काम करेंगे तो ये हालात बदल सकते हैं, और हर समस्या का उपाय तो होता ही है, हम अपनी समस्या को देश और समाज तक पहुंचाएंगे, फिर देखना कैसे हजारों लाखों हाथ हमारे मदद के लिए आएंगे। अब तो हमें लगता है शहर गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे भाई साहब, मैंने सुना कि आप शहर गांव छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन आप शहर जाके करोगे क्या? अगर किसान ही खेती नहीं करेगा तो हम और ये सारे बेटे शहर ही खाएंगे क्या? ऐसे तो शहर भी तबाह हो जाएंगे। चलो हम सब मिलकर खेतों में पान तलाव खुदवाएंगे, नहर खुदवाएंगे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और उसे नहर द्वारा खेतों में लाया जाएगा, और उससे हम अच्छी खेती भी कर सकते हैं। ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। और अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, हम समुन्द्र के पानी से खेती करेंगे। समुन्द्र के पानी से खेती, पर समुन्द्र का पानी तो खारा होता है। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं खारे पानी को मीठा करने की। और रही जमीन की बात, तो हम जमीन में यूरिया यानी खाद डालेंगे, जिससे हमारी जमीन भी खराब नहीं होगी और अच्छी अच्छी फसल भी उगेगी। चलो हम सब मिलकर एक कुआं खोदते हैं और वो कुएं का पानी पाइपलाइन द्वारा घर घर पहुंचाते हैं। जमीन का पानी तो बहुत नीचे होता है, कुआं के पानी कैसे चलाएंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, हम बड़े बड़ी मोटर ट्यूबवेल लगाएंगे, जिससे जमीन का पानी चाहे कितना भी नीचा हो हम उसको ऊपर खींच सकते हैं। इन सब मशीनों के लिए तो पैसा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है।
अरे ये क्या बात कर दी, इसमें हमारी सरकार पूरा साथ देगी, हमें जितने भी पैसे चाहिए हमारी सरकार पूरे पैसे देगी। ये तो सही है। मेरी है क्या? अरे हाँ, जब ऐसे किसान ऐसे पूरी हालत खराब हो रही है, अभी ये सब करने के बाद इनकी सब हालत ठीक हो जा रही है और किसान आत्महत्या करने के भी नहीं सोचेगा। चलो हाँ, आजकल हमारी सरकार नदियां जोड़ो ये प्रकल्प चला रही है, अगर हमारे देश की सारी नदियां यह क्षेत्र से वह क्षेत्र तक जोड़ दी जाए तो हमारी सूखे पीड़ित किसान आसानी से खेती कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ही प्रयोग इजराइल देश ने किया था, समुद्र के पानी से खेती करके उन्होंने अपने देश को समृद्ध किया है। अगर उस रेगिस्तान वाले देश में आज हर जगह हरियाली ही हरियाली, खेती बाड़ी का भरमार पड़ा हुआ है, अगर वो देश कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे है। हाँ हम भी ये प्रकल्प करेंगे। चलो सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्या बात है, तालियां तालियां। थैंक यू थैंक यू।